ಗೋವಿಂದಾಮೋ ಧರ್ಮಾಧವೇತಿ ಗೋವಿಂದಾಮೋ ಧರ್ಮಾ ಸಾರೆ ಬ್ರಿಜ್ ಕೋ ಹರಾ ಭರಾ ದಿಖಾ ಫೇರ್ ಉನ್ನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೋ ಖೇಚ ದಿಯಾ ತೋ ದಿಖಾ ವಹೀ ವಿರಹ ಮೇ ಗೈಯಾ ಘಾಸ ನಹೀ ಖಾತೆ ಬಛಡೆ ದೂಧ ನಹೀ ಪೀತೆ ಕೋಯಲೆ ಕುಹುಕು ನಹೀ ಕರತೆ ಮಯೂರು ಕೇಕಾ ನಹೀ ಕರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ವಿರಹ ಮೇ ಬ್ರಜವಾಸೀ ದುಃಖೀ ತಬ ಉನ್ನೇ ಶ್ರೀ ನಂದ ಬಾಬಾ ಸೇ ಪಹಲೇ ಮಿಲೆ ಮೈಯಾ ಜಶೋದಾ ತೋ ಬೇಹಸ ಹೋಕರ ಪಡಿ ಹುಯೀ ಥೀ ಭೋಜನ ನಹೀ ಕರ ರಹೀ ಥೀ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಆಂಖೋ ಕಾ ಆಂಸುವೋ ಕಿ ಝರಿ ಸೇ जैसे उनका सारे कपड़ा भीगे हुए और जा करके इतने आंखों से आंसू बह रही थी वो यमुना नदी में मिल रही थी। वहां पर श्री उद्धव जी बहुत कोशिश किए उनको समझाने के लिए, सोच रहे थे जैसे ये रो रहे हैं इनको इतना तो समझाओ रो नहीं, पर सोच रहे भैया सारा शास्त्र कहता है नयनम गलत अस्त्र धारया बदनम गदगद हृदय गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। कहते सारे शास्त्र कहता है कब ऐसे दीन हो जब तेरे नाम को लेकर के रोए और गला गदगद हो जाए। अगर मैं बोलूंगा रो नहीं तेरे सारे शास्त्र तो मेरे को क्या बोलेंगे, सारे शास्त्र हमें बाधा देंगे, बोले क्या कह रहे हो। सारे शास्त्र कहता है रो तुके तो रो नहीं है, तुके तो रो नहीं। इसलिए बड़े कष्ट से उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया, तुम लोग बड़े सौभाग्यवान क्यों, जो कृष्ण है ये परात पर तत्व परम ब्रह्म है। नंद बाबा ने कर सोचा मैं तो बोल सोच रहा था तुम कृष्ण के पास में रहकर तेरे तरह अकल आ गया, देखता हूँ तुम बेकूफ हो। तू कह रहे हो कृष्ण परम ब्रह्म परात पर तत्व और कृष्ण जैसे तुम्हारे बेटा बन करके आया है। तब उन्होंने बताए जैसे किसी व्यक्ति को एक पत्थर का टुकड़ा मिला, सोचा कोई पत्थर है अपना बच्चे को कलने के लिए दे दिया, लेकिन किसी जोहरी ने देख करके भैया एक पत्थर नहीं ये तो हीरे हैं। कहते उसी तरह पहले तो मैं समझ रहा था कृष्ण मेरे बेटे, लेकिन तू कह रहे हो कृष्ण मेरे बेटे नहीं, ये परात पर परम ब्रह्म है और इनको पा करके अगर कोई खो दिया तो जगत में उससे कोई दुर्भाग्य हो सकता है। फिर वहां से गोपियों से मिले, गोपियों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किया है ना गोपियों ने, उद्धव जी की बोली बंद हो गई। फिर यहीं पर उन्होंने श्री उद्धव जी को लेकर के आए, बोले चलो हमारे श्री किशोर जी की अवस्था देखो। यहीं पर कमल पुष्पों के ऊपर में राधा रानी लेट हुई, शरीर में अगुर कर्पूर चंदन की लेप लगी हुई, लेकिन कृष्ण विरह में ऐसे तड़पना रही थी, एक मिनट में चूर चूर हो रहा था। इतने में कृष्ण स्वयं एक भ्रमर रूप में आकर के राधा रानी के चरण में बैठना चाहते हैं। वो जो भ्रमर गीत अद्भुत है, वहां पर कृष्ण को ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बात कर रही थी, उद्धव जी तो देख करके आश्चर्य हो गए हैं। बोले वो काले, वो जन्म जन्मांतर के काले, पहले भी सत्य युग में भी काला आया, त्रेता युग में भी एक काला आया राम, अभी भी द्वापर युग में यही काले है। जितने काले है ना सबके सब धूर्त है, ऐसे काले से मैं कोई संबंध रखना नहीं चाहता हूँ। है ये लक्ष्मी कैसे भोली वाली बन करके उनको पति रूप में कैसे प्राप्त की, जब कृष्ण के ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। इतने में भ्रमर ने कहा स्वामी जी मैं जब से आ रहा हूँ तो वो काले को निंदा ही करते जा रहे हो, पर काला का बात छोड़ दो ना, बोले तो यही तो बात है, कोशिश करते हैं उसको भूलने के लिए लेकिन भूला नहीं जाता है। वो जीवा ऐसे निगोड़ी जीवा है, वो जीवा में ऐसे बैठ गया कोई बात आए तो वो काला का ही बात आता है। कान को कहते काले के बगैर कोई दूसरे बात सुनो, लेकिन कान में आवाज आई तो उनकी आवाज है। इसलिए मेरे कण कण में कृष्ण बैठ गए, काले बैठ गया। फिर राधा रानी की भाव को देख करके उद्धव जी यहीं पर छह श्लोकों के द्वारा उन्होंने ब्रज गोपियों की और राधा रानी की महिमा को गान किए। लास्ट में कहते हैं राधा रानी की चरण की एक धूल को मैं वंदना करता हूँ, अगर जगत में अगर किसका जीवन धन्य है ये ब्रज गोपियों की धन्य है। जो चीज को ब्रह्मा शंकर मैं भी जिस चीज को प्रार्थना करता हूँ है, इसलिए इनके अंदर में ऐसे ये भाव है इनके अंदर में। इसलिए ये जो स्थान है गुरुदेव यहाँ पर आकर के भाव विभोर हो जाते थे, गुरुदेव कहते थे ये विप्रलंब का स्थान है और हमारा जो लक्ष्य है ये विप्रलंब रस ही विरह रस ही हमारा जीवन का काम्य है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान यहाँ पर आए और गुरुदेव जब यहाँ पर आते थे ना अपना वस्त्र को अपना जो कुर्ता को निकाल करके
इसी जो धूल को ऊपर अभी गुरुदेव लौट बोल खाते थे, बोले क्यों, बोले यहाँ राधा रानी के चरण की धूल पड़ा हुआ और विरह अवस्था की धूल है, जिसको रूप गोस्वामी उसमें जो 10 श्लोक है, प्रजल्प अभिजल्प संजल्प विजल्प कौन कौन सा गुण होनी चाहिए, रूप गोस्वामी ने ये बात बताई गुरुदेव यहाँ पर आकर लौट बट उठाते थे, बोले यहाँ की एक धूल को उद्धव जैसे व्यक्ति प्रार्थना करते हैं और यहाँ जो धूल है ना चिंतामणि वो सारी इच्छा को दे सकते हैं, इसलिए हम लोग ये स्थान को प्रणाम करते हैं, इसलिए गुरुदेव का बड़ा प्यारा स्थान है, इसलिए गुरुदेव जो बाबा है ना बैठे, बोले बाबा यहाँ पर कदम लगाओ पेड़ लगाओ, इसलिए गुरुदेव यहाँ पर हर तरह से गुरुदेव मदद करते थे, सबको बोलते थे कुछ ना कुछ प्रणाम ही तो दे इस जगह को बाबा, अच्छे तरह से इसको सुसज्जित करे, लोग यहाँ पर आकर के उद्दीपना जगे, यहाँ पर ठाकुर जी की ये दिव्य लीला हुई है, इसलिए हम लोग ये स्थान को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसे हमारे हृदय में एक ना एक दिन वो भी प्रलंब भाव आए और हमारे जीवन धन्य हो जाए। बच्चा कल कृपा सिंधु भाई बच्चा पतिता नाम पावन वैष्णव भो नम, बोले श्री उद्धव क्यारी की, बोले श्री वृंदावन धाम की, बोले श्री नंद गाम की, बोले महाप्रसाद की, अरे कोई जय नहीं दे रहे जोर से बोलो, बोले श्री महाप्रसाद की। हाँ देखो एक अनाउंसमेंट है, हम लोग कल परसों